हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड मराठी। मैं मनीष। मैं काजल। मैं सिद्धार्थ। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों अच्छे होंगे भी क्यों नहीं होंगे, बिकॉज आ गया मिर्जापुर सीजन 2 का ट्रेलर और आज रिएक्शन भी भोकाल होगा, भोकाल। और जिस दिन का हम सबको था बेसब्री से इंतजार, क्योंकि टीजर पे टीजर आ रहे थे। और मतलब जब पहले टीजर आया था तो मुझे तो लगा था सही में ट्रेलर आ गया, बट वो टीजर निकला था वो भी डेट अनाउंसमेंट की थी। डेट अनाउंसमेंट थी और उसके वजह से हम बैठे हुए थे लिटरली कि आधा ना ट्रेलर आने वाला है और हम रिएक्शन करेंगे, लेकिन सिर्फ डेट आई यार। और रिएक्शन ही नहीं, पर्सनली मैं बताऊँ ना, रिएक्शन से अवे भी अगर मैं बोलूँ तो मैं पर्सनली उसे देखना चाहती थी कि क्या है क्या नहीं है। मतलब इतना ज्यादा वेट कर रही थी कि मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती। सब समझते हैं यार, मिर्जापुर के जितने भी फैन हैं सब समझते हैं यार, सीजन वन इतना ज्यादा फेमस रहा है ना। और मुझे तो लग रहा है 23 अक्टूबर को जब है ना ये सीजन आएगा, काफी लोग है ना अपने ऑफिस से पहले से छुट्टी ले लेके है ना भाई, देखेंगे आज तो मिर्जापुर मतलब पहले ही दिन में आधे लोग पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि आजकल है ना भाई इतना ज्यादा स्पॉइलर अलर्ट हो जाता है ना सोशल मीडिया से लेकर, बस कि पहले तुम देख लो उसके बाद है ना स्पॉइलर एग्जैक्टली, उसके बाद ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रेलर कैसा है। और जो थोड़ा बहुत भूल गए हैं वो पहला सीजन भी देख लेना, ताकि आपको याद आ जाए कि पहले सीजन का हम क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी ये करने वाली हूँ। सो फटाफट से वीडियो देखते हैं गाइस और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं, मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। कुट्टू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे बीच चुराए तो उन्हें मार के चले जाए। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पर राज करे, बड़ी ना सही छोटी करेगी। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। बिहार में आपका स्वागत है। दद्दा त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। तुम्हारे दद्दा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दद्दा होते हैं बिल्कुल भाई, मां चुप देते, अभी सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। बेटी का उधार है, हम पे चुकाना है। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। दोस्तों ये था ट्रेलर मिर्जापुर सीजन 2 का, और कौन लेगा मिर्जापुर, कालीन भैया या गुड्डू पंडित। और यार मतलब इतना ज्यादा है ना मोस्ट अवेटेड सीजन है ये, और हम देख रहे थे लाइव ऑडियंस है ना आई जा रही थी 50,000-80,000 करते करते 2 लाख क्रॉस हो गई थी और स्टार्ट हुआ ट्रेलर, भाई साहब आगे कमेंट ऐसे भर के आ रहे थे। और मतलब ऐसा लग रहा था कि लास्ट सीजन जब गया था ना गाइस, तो मतलब तब ये था कि कब सेकंड सीजन आएगा। और मतलब मुझे लगता है जो एक्टर्स हैं उसकी प्रॉब्लम पता क्या है कि इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं, वेट करने की दिक्कत ये है कि
आप कैसे कंट्रोल करोगे, मतलब सारे एक्टिंग में धांसू है भाई। लास्ट ईयर इन्होंने सीजन दिया ही नहीं, एक साल और वेट कर। यार जो हिंदी के सीजन होते ना वो स्टार्ट हुआ था सेक्रेट गेम से, सेक्रेट गेम्स का जब पार्ट वन आया था तब भी बहुत भोकाल हुआ था और उसका सेकंड पार्ट जल्दी ले आया था इसलिए ज्यादा मजा नहीं आया। बट मिर्जापुर वालों ने हर एक चीज का बहुत ध्यान रखा है, वेट किया है और अच्छी चीज ही लगी है। बल्कि ये सेक्रेट गेम की वजह से है ना, क्योंकि करेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, पंकज त्रिपाठी है ना सेक्रेट गेम में है ना मेन रोल में है ना इन्वॉल्व थे नवाजुद्दीन के साथ, तो मतलब यार सीजन टू मिर्जापुर का काफी डिले हुआ। वही अली फैजल भी है ना काफी ज्यादा बिजी थे, दो दो बीच में वो शादी भी करने वाले थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आया यार, ट्रेलर इतना अमेजिंग था ना, लग रहा है कि गुड्डू भाई कुछ अलग करने वाले हैं। और मतलब जो सबसे मिसिंग चीज है जो मैं मिस करने वाली हूँ इस सीजन में, दैट इज विक्रांत मैसी। I have to say because उनका जो इंटेलेक्ट था पूरा का पूरा मिर्जापुर मुझे लग रहा था कि उनके दिमाग से चल रहा था, और अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे रन करने वाला और क्या होने वाला है। बट तो आज के टाइम पे वेटेज इतना है कि अगर सीजन वन इस टाइम बन रहा होता ना कोई सवाल ही नहीं था विक्रांत मैसी को मार देते। बिल्कुल, मतलब वही मैं भी सोच रही हूँ कि मतलब अब ये सेकंड सीजन में ये कैसे कॉप अप होने वाली है उनकी कमी। वो कमी पूरी कर रही है ना उनकी जो लवर है, उनके जो पार्टनर दिखाई है वो भाई गुड्डू भैया के साथ बिल्कुल खतरनाक रूप यार, मतलब जो लाइब्रेरी में घुसी रहती थी और वो वाला तो सीन था ट्रेलर में गन चला रही थी, मजेदार मजा आने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे व्यूज, आपके क्या व्यूज हैं प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और ट्रेलर ऑसम धाजू फाड़ू था इन शॉर्ट कहूँ तो, और मतलब लिटरली मैं बहुत बुरे से वेट कर रही हूँ एंड मुझे भी कहीं ना कहीं पता है कि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि आप कितना वेट कर रहे हैं। और लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, साथ ही साथ ट्रेंड नाड़ी को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हम सबको सिर्फ 1 अक्टूबर का इंतजार है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।